किसी जंगल में सभी पक्षी अपने अपने परिवार के साथ बहुत खुशी का जीवन बिता रहे थे। उसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी भी रहते थे, जो अपने बेटे किकी की वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि उनका बेटा कोई भी चीज शौक से खुश होकर ना खाता। वो हर खाने वाली चीज को जाया कर देता, आधी खाकर आधी फेंक देता। आज तो वो सुबह से रोए जा रहा था और एक नई और अनोखी जिद कर रहा था। मुझे नहीं पता मम्मा पापा, मैं खाऊंगा तो सिर्फ मैंगो खाऊंगा, मुझे कहीं से भी मैंगो ला कर दें। किकी बेटा, जंगल में ठंड का मौसम चल रहा है और इस मौसम में मैंगो नहीं होते। बेटा, हम आपको कहां से मैंगो ला कर दें? तो फिर मैं भूखा ही रहूंगा, मुझे मैंगो चाहिए, मैं मैंगो ही खाऊंगा। बेटा समझ जाओ, हर फल का कोई मौसम होता है और मैंगो तो गर्मियों का फल है, सर्दियों में मैंगो नहीं होते। मगर वो छोटा बच्चा कोई बात मानने को तैयार नहीं था। चिड़िया जो कबूतर के पास में ही रहती थी, वो कबूतर के बेटे की रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। मैं कब से सुन रही हूँ किकी बेटा, आप क्यों रोए जा रहे हैं? चिड़िया बहन, क्या बताऊँ, घर में इतना भोजन है, मीठे फल भी हैं, मगर किकी मैंगो खाने की जिद कर रहा है। अब आप ही इसे समझाएं कि इस मौसम में हम इसे मैंगो कहाँ से ला कर दें। चिड़िया बहुत सियानी थी, वो किकी को सबक देना चाहती थी, इसलिए वो किकी से कहती है, किकी बेटा चलो आप मेरे साथ चलें, मैं आपको कहीं से मैंगो ढूंढ कर देती हूँ। मगर चिड़िया बहन, इस मौसम में। कबूतर भैया, आप किकी को मेरे साथ आने दें, मुझे पूरा विश्वास है किकी सब समझ जाएगा। फिर चिड़िया किकी को अपने साथ लेकर जंगल में चली जाती है। थोड़ी दूर बुलबुल का घर था। चिड़िया किकी को साथ लेकर बुलबुल के घर जाती है। बुलबुल ने चूल्हे पर एक डेगची रखी हुई थी और उसमें उसने पानी में एक बेरी का फल डाल रखा था। बुलबुल बहन, आप अपने बच्चों के लिए क्या बना रही हैं? बहन चिड़िया, क्या बताऊं, ऐसे ठंड के मौसम में कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है। मुझे एक बेरी का फल मिला था, मैंने सोचा हम सब इसे ही पका कर खा लेते हैं। बेरी का फल, और वो भी इतने सारे पानी में आप पका रही हैं, वो क्यों आंटी? चिड़िया यही दिखाने के लिए तो उसे यहाँ लेकर आई थी। बेटा, हमारे घर में और कुछ भी खाने को नहीं है, मगर हम गरीब पक्षी क्या करें, पेट भी तो भरना है, इसलिए जो भी मिलता है उसे बांट कर खा लेते हैं। किकी बेटा, आपके घर में तो ढेर सारा भोजन है और फिर भी आप अपनी मम्मा और पापा से मैंगो खाने की जिद कर रहे हैं। चलो मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। फिर चिड़िया किकी को साथ लेकर मिठू तोते के घर जाती है। अब कैसे हैं तोते भैया आप? क्या बताऊँ चिड़िया बहन, मेरे घर में सब कुछ है, भोजन भी है, मगर मैं खा नहीं सकता। मुझे 3 दिन से सख्त बुखार है, डॉक्टर ने कुछ भी खाने पीने से मना कर रखा है। क्यों? वो क्यों मिठू अंकल, आपको डॉक्टर ने खाने से मना क्यों कर रखा है? क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा भी कुछ खा लूं तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। किकी बेटा, आपके घर में तो कोई भी बीमार नहीं है, आप सब स्वस्थ हो, फिर भी आप भगवान का शुक्र अदा नहीं करते हो। मैंगो नहीं तो क्या हुआ, आपके घर में तो और भी तरह तरह के भोजन हैं, जिन्हें आप खा सकते हो। आप ये सब भूलकर केवल मैंगो खाने की जिद कर रहे हो। किकी चिड़िया की बात सुनकर खामोश रहता है।
फिर चिड़िया कीकी को साथ लेकर थोड़ा आगे जाती है, जहाँ एक टूटे हुए घोंसले में एक कौवा और कौवी बैठे हुए थे। गोरी बहन, क्या हो रहा है? क्या बताऊँ चिड़िया, 3 दिन से भूखे हैं। जब से ठंड शुरू हुई है हमें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। आज भी मैं पूरा जंगल घूम कर आया हूँ, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, कहीं से भी कोई दाना नहीं मिला। बेटा, किसी के पास भोजन थोड़ा है और किसी के पास खाने को कुछ भी नहीं है। कोई बीमार है तो कोई परेशान, और एक आप हो कि आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप अपने मम्मा और पापा को तंग कर रहे हो। ये सब देखकर कीकी रोने लग जाता है। आंटी, मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं तो इन सब पक्षियों से बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ, और फिर भी मैं शुक्र नहीं करता। मैं शर्मिंदा हूँ अपने मम्मा पापा से भी और खुद से भी। प्लीज मुझे घर ले जाएं। हाँ बेटा, मैं यही चाहती थी कि आप ऊपर वाले की दी हुई हर चीज का शुक्र करो और बेमौसम के फल मांगकर अपने मम्मा और पापा को तंग ना करो। फिर चिड़िया कीकी को साथ लेकर उसके घर वापस चली जाती है। कीकी घर जाकर अपनी मम्मा से कुछ चावल लेकर मजे मजे से खा लेता है, क्योंकि अब उसे भूख भी लग गई थी। मम्मा पापा, सॉरी, आज के बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा, क्योंकि इस जंगल में बहुत से ऐसे पक्षी हैं, मैं जिनसे बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। फिर कबूतर और कबूतरी चिड़िया को धन्यवाद बोलते हैं कि उसने कीकी की सोच को बदल दिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।